हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ योर बॉय आयुष। और आज हम देखने वाले हैं कि हमने जो पेपर बनाए थे कल, वह प्रॉपर बने या नहीं बने सूखने के बाद। और भी काफ़ी कुछ होने वाला है, तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यार अभी जो टाइम हुआ है ना, 9 भी नहीं बजे अभी मॉर्निंग में, और जो मौसम है ना यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब धूप भी नहीं निकली है और जो मौसम है ना यार काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल भी छाए हुए हैं। ओके सो गाइज, हमारे जो पेपर है ना मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। और यार इनको हमने धूप वगैरह में तो वैसे रखा नहीं है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर आप आई थिंक इजीली लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त हो चुका है। ये तो यार बहुत मोटा है, तो इसको ये तो सॉलिड मतलब कड़क भी हो चुका है यार। ये भी बहुत कड़क है, बट ये बना भी काफ़ी अच्छा है। यार हम सोच रहे हैं यार कि इसको थोड़ी देर क्यों ना और सुखा लिया जाए और धूप में सुखाया जाए आज, ताकि इजीली हम इस पर लिख पाएँ। और इसको एक बार निकाल देते हैं यार सभी को। सो यार हम इनको निकाल चुके हैं और अब बारी आती है इनको सुखाने की, तो हम इनको धूप में रख देते हैं ताकि ये सूख जाएंगे। सो गाइस, इसको मैंने रख दिया है, नीचे भी कपड़े हैं, बीच में रख के ऊपर से भी कपड़े, ताकि धूप भी अगर आएगी तो सॉफ्ट सॉफ्ट धूप में काफ़ी ज़्यादा ये मतलब मज़ा आ जाएगा यार। सो देखते हैं यार इनको कुछ टाइम के बाद, मतलब शाम तक देखते हैं। बस अभी हमारे पास है मैंगो आम। सो यार इसको हम इसका देखते हैं यार क्या किया जाए। सो गाइस, हमारे पास है एक आम, और इस आम को हम क्या करने वाले हैं, इसको सबसे पहले तो हम खाएंगे, और खाने के बाद इसके अंदर से जो निकलेगा बीज, जिसको हम गुटली भी बोलते हैं, तो उसको हम लगाएंगे, मतलब उससे हम पेड़ उगाएंगे। तो देखते यार कि इस आम से, आम की गुटली से पेड़ उग पाता है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसको खाना होगा और सुखाना होगा, और खाने में आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े। सर इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कैसे इसको खाया जाता है। तो सबसे पहले तो यार ये देखो, आप जहाँ से भी दबाने की कोशिश करोगे ये दब जाएगी। तो इसको काफ़ी देर तक, मतलब कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे करते रहो, यहाँ से भी दबाओ। तो उससे होगा क्या कि जो भी इसमें सॉलिड फॉर्म में है मटेरियल, वो हो जाएगा ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में। तो हम इसको कर लेते हैं फटाफट से। सो हमारा जो आम है मैंगो ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ से देखिए इसमें से जूस जो होता है, रस भी निकल रहा है। तो हम इसको इसको निकाल दिया है, अब हम इसको खा लेते हैं फटाफट से। सो गाइस, हमको जो आम है मैंगो खाने के बाद मज़ा आ गया। और यार एक नहीं यार, हमने दो खाए हैं, जी हाँ। जिसके बाद हमारे पास है एक डिब्बा, डिब्बे में है ओ माय गॉड, डिब्बा तो शायद बहुत पुराना हो चुका है, बट इट्स ओके। इसका जो काम है वह यह बिल्कुल करेगा। तो हम इसको इसके अंदर इस साइड से डालते हैं और हम इसको बस डाल कर रख देते हैं, जिसके बाद हम कुछ दिन के बाद देखेंगे कि इसमें क्या होता है। आफ्टर दैट एक और है, तो इसको हम इसमें डालने वाले हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पर हमने कर लिया है होल, और चले जा अंदर इसके। तर यह भी इसके अंदर जा चुका है, तो इसमें थोड़ा सा हम ला के डाल देते हैं पानी। सो गाइस, इसमें हमने डाल दिया है पानी, अब इसको भी निकाल लेते हैं ताकि जो पानी है अंदर चले जाएगा। और इसको हम यहीं पर साइड में रख देते हैं। और आज से हमारा मिशन यह है कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में डेली पानी डालना है। सो देखते हैं यार कि कितने दिन में जो दोनों हमने बीज बोए हुए हैं उनमें से कुछ फूट के मतलब निकल के आते हैं पौधे। तो एक तो ये हमारा रेडी है कि ये भी रेडी है, तो दोनों में हमने लगा दिए है बीज। यार इन दोनों जगह से मैं बनाने वाला हूँ टाइम लैप्स, मतलब डेली फ़ोटो क्लिक करूँगा, और जो फ़ोटो लास्ट में मेरे पास आएगी सो उससे हम ट्राई करेंगे एक वीडियो बनाने के लिए। और 30 दिन मतलब आज है 28 मई, तो 28 मई से 28 जून तक हम डेली एक एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, और आपको फिर बताता हूँ वीडियो में कि कैसे मतलब टाइम लैप्स ना यार मज़ा आ जाएगा। बस आप देखते रहो और देखते कि कैसे बनती है वीडियो भी। टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं शाम के, और धूप आज काफ़ी थी। तो हमारे जो पेपर्स है मतलब जो रोटी की तरह पापड़ की तरह बन चुके हैं पूरी तरह से, या काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। तो हम अब ट्राई करेंगे इन पर लिखने के लिए। बट सबसे पहले हमने जो सुबह मैंगो मतलब आम लगाए थे
उसमें पूरी तरह से जो है पानी सूख चुका है, क्योंकि यार आज काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो उसमें हम पहले पानी डाल देते हैं। सो गाइज, हमने इसमें पानी डाल दिया है, इसमें और इसमें भी, और यार सूख भी चुका है पानी। मतलब मैंने ये दो बार भर के लाया, एक एक बार में डाल दिया, बट फिर भी सूख चुका है यार। मतलब गर्मी सुबह से काफ़ी ज़्यादा है और जो धूप है ना यार, काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज। गाइज, हम डालने वाले यार अपने पौधों में डेली पानी, जब तक कि ये बड़े नहीं हो जाते, और जैसे ही बड़े हो जाएंगे तब यहाँ से निकाल के किसी को मैं दे दूंगा, ताकि वो अपने खेत पर या फिर कहीं पर भी लगा दे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं छत के ऊपर लगाता हूँ किसी डब्बे के अंदर, तो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं अभी जो ये दो पौधे लगाए, ये जैसे ही बड़े होते मैं किसी को दे दूंगा लगाने के लिए, फिर हम कोई सा और पौधा लगा देंगे। पहले भी यहाँ पर ऐसा ही था, कोई सा एक पौधा था बट वह सूख चुका था, क्योंकि यार मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते छत पर, आपको भी पता होगा। बट इस बार हम यह गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, और इस बार हम पूरी तरह से जो है जैसे ही बड़े होते हैं किसी को दे देंगे, ताकि वह अपने खेत वगैरह पे, या फिर अगर किसी के पास घर के आगे जगह हो तो वह लगा दे। सो फिलहाल के लिए हम चलते हैं नीचे, और जो पेपर बनाए थे उस पर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं और देखते हैं हम लिख पाते हैं कुछ भी या नहीं। हम पेपर्स को नीचे लेकर आ चुके हैं, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है और नहीं ट्राई किया है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं जस्ट कैमरा के सामने ही लिखना चाहता हूँ। तो मेरे पास है दो पेंसिल और एक पेन। पेंसिल मेरे पास दो इसलिए है क्योंकि मैं एक ढूंढ रहा था तो मुझे दो मिल गई। आफ्टर दैट पेन एक ही मिला। ओ सर, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ लिख कर, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है। ओके, तो यार चल रहा है यार, देखो यार यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा तो नहीं चल रहा है, बट हवा में उड़ रही। एक मिनट, यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो यार पेन सिर्फ ऐसे ही वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट पेंसिल, तो यार ओके, पेंसिल भी यहाँ पर हल्की हल्की वर्क कर रही है। इसमें आपको शायद दिख रहा होगा ब्लू कलर से। तो यार मैं यहाँ पर कुछ लिख के देखता हूँ। तो गाइज, अभी जस्ट यहाँ पर मैंने लिख कर देखा, और देखो यार यहाँ पर लिखा है मेरा नाम, जिसके साथ ही लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो यार अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लेना, एंड थैंक यू। तो यार काफ़ी अच्छा है, ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो गाइज, आपने देखा यार पेपर पर आप लिख सकते हैं, बट काफ़ी जो उसका साइज़ था वह थोड़ा सा मोटा था, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था अगर हाथ में पकड़ते कि यार पेपर नहीं है कवर है। तो शायद अगर आप किसी को मतलब सिर्फ एक पेपर चाहिए तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं, और तरीका भी यार आसान ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक वगैरह ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना, कोई इशू नहीं, आराम से। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो यार बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिएगा, मास्क वगैरह यूज़ कीजिएगा अगर बाहर जाते हो तो, प्रॉपरली डबल मास्क के साथ में। थैंक यू।